हाय, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि सेलेनाइट प्लेट क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है क्रिस्टल चार्ज करने के लिए। आप जब ऑर्डर करोगे आपको एक प्यारा सा सेलेनाइट प्लेट मिलेगा जहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हमजा हैंड कार्व्ड है। इसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है, इस तरह से आता है। साइड में आपको दिखेगा कि ये थोड़े से डिज़ाइन टाइप बना हुआ है, लगेगा कि वो टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ नहीं है, सेलेनाइट ऐसा ही आता है। अंदर से इसका डिज़ाइन ऐसा है, ऊपर से ये बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आप सीधा भी करोगे तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि ये दिस कुड बी ब्रोकन, बट ये ब्रोकन नहीं है, अंदर का डिज़ाइन है। सो नेचुरली सेलेनाइट ऐसा ही आता है। सेलेनाइट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्टल होता है, इसी वजह से हम इसको बहुत ही अच्छे से मल्टीपल पैकिंग करके देते हैं। एंड वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ अनबॉक्सिंग वीडियो सो दैट अगर आपको ये चिप्ड या ब्रोकन मिले वी कैन रिप्लेस यू विदाउट एनी हैसल। सेलेनाइट प्लेट को बहुत ही हल्के हाथ से ओपन करना है, बिल्कुल डेलिकेटली करना है, नहीं तो ये क्रैक हो जाता है। प्रेफरेबली आप एक शार्प नाइफ लो या सीजर से ही उसको काटो, बिकॉज सेलोटेप भी है और इसमें पेपर्स भी लगे हुए होते हैं। सो हो सकता है कि हमें फोर्स यूज़ करना पड़े और हमारा जो प्लेट है वो अंदर से टूट जाए। सेलेनाइट itself is a crystal, इसको क्लेंजिंग क्रिस्टल भी बोला जाता है। इसका काम होता है हमारे आसपास की एनर्जीज को क्लेंज करना, क्रिस्टल्स को क्लेंज करना और हमारे एनवायरनमेंट को क्लियर एंड प्योर रखना। हमारे क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अब्जॉर्व करते हैं, सो इसीलिए क्रिस्टल्स को क्लेंज और चार्ज करते रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए हम सेलेनाइट के पावर्स को यूज़ करते हैं टू क्लेंज एंड चार्ज आवर क्रिस्टल्स। आप अपने क्रिस्टल्स को इस तरह से अपने प्लेट पे रख दें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 5 to 10 minutes एवरी डे और once a week is more than enough, but I advise my clients कि at least every day आप इसको रख दो। रात को इसके ऊपर रख के सो जाओ, सुबह उठ के पहन के चले जाओ अपने काम पे। How easy is that? अगर आपके पास एक से ज़्यादा ब्रेसलेट है तो इस तरह से आप अपने ब्रेसलेट्स को चार्ज कर सकते हो सेम प्लेट पे। ब्रेसलेट एक के ऊपर एक रख के आप चार्ज करके अपने ब्रेसलेट्स को यूज़ कर सकते हो। ये आराम से आपके ब्रेसलेट्स को चार्ज कर देगा। सेलेनाइट प्लेट की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट क्रिस्टल है और सबसे ज़्यादा टूटते हैं, ये इस तरह से क्रैक होके टूट जाते हैं। सो आपको बहुत केयरफुली और सॉफ्ट हैंड से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर रख भी रहे हो बहुत ही सॉफ्टली और सॉफ्ट सरफेस पे ही रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना, आप सेलेनाइट वाटर फ्रेंडली नहीं है तो इसको वाटर से बचाना है। कोई भी डैम मॉइस्चर वाली जगह से भी इसको दूर रखना है, नहीं तो ये सॉफ्ट होके टूट जाएगा। आप जितने अच्छे से आपके क्रिस्टल्स की केयर करोगे, उनसे प्यार करोगे, उनके संभाल के रखोगे, उतने ही लंबे आपके क्रिस्टल्स चलेंगे और टिकेंगे और आपको काम देंगे, बिकॉज दे आर योर हीलिंग पार्टनर्स।